फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स और एराइल हैलाइड्स, या हम कह सकते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स। तो इनका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या जैसे बेंजीन या टोलुइन, इनको की को अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर हम कराएं इनकी Cl2 या Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड इन एबसेंस ऑफ लाइट या इन डार्क, तो ये क्या देंगे हमें, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोटोलुइन दे देंगे। यानी अगर हम क्लोरीन की, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड इन एबसेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या देंगे, क्लोरोबेंजीन। अगर हम टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe इन एबसेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या देंगे, ब्रोमो ऑर्थोब्रोमोटोलुइन एंड पैरा ब्रोमो टोलुइन। क्यों? क्योंकि जो CH3 ग्रुप होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इस रिएक्शन में क्या हो सकता है, ये एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो इसलिए इस रिएक्शन से हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एमीन्स, फ्रॉम अमीन्स। अमीन्स कैसे बना सकते हैं हम इनको, बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, जो अगर हम डायजोनियम सोल्ट, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर हम Cu2X2 यानी Cu2Cl2 या Cu2Br2 से करा देंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हमें दे देगा। इस रिएक्शन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सोल्ट रिएक्ट विद Cu2Cl2 और Cu2Br2 टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन एंड N2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। बट जो डायजोनियम सोल्ट होते हैं, डायजोनियम सोल्ट को हम किससे बनाते हैं, एनिलीन से बनाते हैं, एनिलीन या हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। यानी अगर हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन किससे कराएं, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो HNO2 है वो एक, उसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड है, और ये क्या होता है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है। यानी ये इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका इंसिटू प्रोडक्शन करते हैं यूजिंग NaNO2 एंड HCl। यानी NaNO2 और HCl मिलकर हमें क्या देगा, HNO2। ये HNO2 एनिलीन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, डायजोनियम क्लोराइड, जो Cu2X2 के साथ रिएक्शन करके हमें हेलो बेंजीन दे देगा। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन KI से कराएंगे हम, तो KI से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, आयोडो बेंजीन प्लस N2। नेक्स्ट हम इंटेक्स क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट, 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane। तो सबसे पहले जब हम IUPAC नाम से स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड क्या है, यहाँ पे पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की हम क्या कर देंगे, एक चेन बना देंगे। हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की एक चेन बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेन पे किसी भी तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, साइड चेन को लगाएंगे। 2 पे क्या है, क्लोरो, तो 2 पे हमने क्या लगा दिया, Cl, और 3 पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल, तो 3 पे हम क्या लगा देंगे, मिथाइल। और फिर बाकी जो वैलेंसी है वो किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से। जैसे इस कार्बन ने केवल अभी एक ही बॉन्ड बनाया था, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने इस पे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जितने बॉन्ड हो चुके हैं उनको छोड़ देना है, तो बाकी 4 में से माइनस करके है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। जैसे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए थे, तो हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे केवल, तो बाकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो कंपाउंड क्या होगा, CH3CHCl CH CH3CH2CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। यानी यहाँ पर रूट वर्ड क्या है हमारा, रूट यानी जो मेन कार्बन चेन है वो कौन सी हमारी, साइक्लोहेक्सेन। तो हम क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बना देंगे। फिर किधर भी से इस पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। फिर अब साइड चेन लगाएंगे, 1 पे क्लोरो है,
और फोर पे क्या है इथाइल, तो ये स्ट्रक्चर बन गई 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन की। यहाँ पे Cl और यहाँ पे C2H5। नेक्स्ट 4-टर्शरी-ब्यूटाइल-3-आइडो-हेप्टेन, 4-टर्शरी-ब्यूटाइल-3-आइडो-हेप्टेन। तो सबसे पहले रूट वर्ड देखेंगे क्या है यहाँ पे, हेप्ट, हेप्ट मीन्स कितने कार्बन होंगे, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन के हमने क्या बना दिए, स्ट्रेट चेन बना दी। फिर थ्री नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कार्बन की एक चेन बना दी। 4 पे क्या है टर्शरी ब्यूटाइल, 4 पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, 4 कार्बन का टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल यानी CH3, 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 ये हमने क्या लगा दिया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। फिर क्या कहा इन्होंने, 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल और 3 पे क्या आइडोहेप्टेन, 3 पे क्या आइडो सॉरी, तो आइडो ग्रुप लगा देंगे हम 3 पे यानी आयोडीन ग्रुप लगा देंगे। और बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से, CH3, CH2, CH और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आई, फिर CH3, 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 फिर CH2, CH2, CH3। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटुइन, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटुइन यानी सबसे पहले रूट वर्ड ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन की हमने क्या बना दी, चैन बना दी। फिर 1 और 4 पहले नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4। 1, 4 पे डाइब्रोमो यानी 2 ब्रोमीन लगा देंगे, 1 पे और 1 4 पे। फिर क्या करेंगे, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, 2 पे क्या है ईन, तो 2 पे क्या लगा देंगे हम डबल बोन। फिर बाकी वैलेंसी कैसे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से, तो CH2, CH, CH, CH2, Br यानी इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी Br CH2 CH डबल बोन CH सिंगल बोन CH2 Br। नेक्स्ट 1,4-ब्रोमो-4-सेकेंडरी-ब्यूटाइल-2-मिथाइल-बेंजीन यानी सब रूट यानी हमारा जो रूट वर्ड है या पैरेंट चेन है हमारी क्या, इस बार बेंजीन, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बना देंगे। फिर नंबरिंग कर देंगे इस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम क्या करेंगे, 1-ब्रोमो यानी 1 पे क्या लगाएंगे ब्रोमो, 4 पे क्या हम लगाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा CH CH3 CH2 CH3। फिर 2 पे मिथाइल है तो CH3, फिर बेंजीन यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 1 पे Br, 2 पे CH3 और फिर CH CH2 CH3 CH3, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI, यानी अगर हमें अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बनाना है या आइडो एल्केन्स बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन KI से कराते हैं, लेकिन वहाँ पे हम H2SO4 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H2SO4 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने पी ब्लॉक में पढ़ा H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है KI को I2 में कन्वर्ट कर देता है या I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए हम जो हमने जो रिएजेंट लिया है KI, वो क्या कर देगा H2SO4, उस KI को क्या करेगा I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए H2SO4 को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन के डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में हमें लिखना है। प्रोपेन 3 कार्बन का होगा, अब हमें क्या करना है, डाई हैलोजन